परेशान है माता यौ माता कहो गुल्ला नासिम में इमाम है जब कयामत का दिन होगा ना तो तुम्हें जब आवाज पड़ेगी तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम्हें अपने इमामों के नाम से बुलाया जाएगा फला इमाम के मुक्तदी हो फला इमाम के मानने वालों आओ अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया तुम दुनिया में जो कुछ करते रहे अल्लाह के हुजूर में पेश करना है तो हजरत दाता का बख्शी हजूरी रहमतुल्लाह है उस मस्जिद के इमाम है आप तक ये बात पहुंची आपने सुना आपने खामोशी इख्तियार की अल्लाह के बंदे क्या करते हैं खामोशी इख्तियार करते हैं फिर ये दाँत तक पहुंचो शोर पड़ता जाए जब ये इतनी उरूद पर पहुंच गई क्योंकि मस्जिद के बारे में मिंबर के बारे में प्रोपेगंडा करना बड़ा आसान होता क्यों कि इसको हम लोग समझते हैं कि इसका वती बारे में कोई नहीं इस वजह से इसके बारे में जितना प्रोपेगंडा कर ले उतना कम है आपने एक दिन पूरे अहले लाहौर को दावत दी और तमाम उलमा को दावत और आज मेरी मस्जिद में मेरे पीछे नमाज मगरिब अदा कर मुसल्ला इमामत पर हजूर सैयदी फैज आलम है हजारों लोग उलमा और मशायख और अवामुन नास आपके पीछे जिनके जहन में ये बात कि इस मस्जिद का किबला सिमट रुस नहीं है आपने तकबीरें होना कही अल्लाहु अकबर जैसे हम तकबीर उला कहते हैं तो निगाह उठती है सामने देखे हाथ की नजर पड़ी जिसकी नजर नीची थी अल्लाह ने उसकी नजर के उठाकर उठे कर दी और वो देख रहा है कि मेहराब की दीवार सामने वाली फट गई है और सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा है अल्लाह का घर नजर आ रहा है नमाज के बाद सब लोग आपके कदमों में झुक गए और नमाज झुक गए पाठ साहब अभी पढ़ रहे थे ना कि की होया जे ओ मेरी निस्बत मेरे अमल दे भेड़े Man.